वाच्य विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवत विवार्ताय सेते वियद नीलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरम चरमुचावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। ब्रह्म सूत्र में पहला है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। प्रथम पद द्वितीय पद का विचार होने के बाद तृतीय पद का विचार हो रहा है। प्रथम पद हो गया अथ, आनंतरीय अर्थ में हुआ साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर। साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर क्या करना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा, तो क्यों करनी चाहिए, तो इस हेतु अर्थ में द्वितीय पद हो गया अतः। अथ शब्दो हेत्वर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा। किस हेतु से? इस हेतु से श्रुति प्रमाण और अनुभव से ये सिद्ध होता है कर्म उपासना इत्यादि साधनों का फल अनित्य है। तत्यथे कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोकक्षीयते। और ज्ञान का फल नित्य कहा गया, ब्रह्मविद आप्नोति परम, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम तरति शोकम आत्मविद। तो कर्मादि का फल अनित्य कहा गया और ज्ञान का फल मोक्ष कहा गया। तो इसीलिए साधक को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो तीसरा पद हो गया ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा सामासिक पद है। प्रथमा का एक वचन तिलिंग में ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो ये विचार यहाँ पर है। भगवान भाष्यकार स्वयं कहेंगे ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर जो षष्ठी तत्पुरुष है, तो कुछ लोग मानते हैं कि वे इसको चतुर्थी तत्पुरुष कह लो। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि तादर्थ समास जो होता है वहाँ पर प्रकृति विकृति भाव में होता है। जैसे कह दिया यूपा या दारू, ऐसा समास बनता है। ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी से दारू बनता है, ये दारू बोल दिया। यूप 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 बोले खम्बा को बोलते हैं। यूपा या दारू, ये दारू जो लकड़ी है यूप के लिए, यूप रूपी कार्य के लिए। तो प्रकृति मतलब उपादान कारण हो गया दारू, कार्य हो गया यूप, है ना। इसलिए भारतीकार ने व्याकरण के जो भारतीकार है महर्षि कात्यायन, उसने कहा कि तादर्थ समासे प्रकृति विकृति ग्रहणम कर्तव्यम। तादर्थ समास में
प्रकृति विकृति भाव ही ग्रहण करना होता है। जैसे युपदारु कहा, और अप्रकृति विकार भूत इत्येवम आदूत निषेधा, जहाँ पर प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है वहाँ पर चतुर्थी नहीं कहा। जैसे कह दे अश्व घास, तो अश्वस्य घास, घास मतलब तृण, घोड़ा जो खाता है, गऊ खाती है, तो वहाँ पर अश्वस्य घास अश्व घास ऐसा नहीं होता है। ये चतुर्थी बोल दिए हैं, अश्वाय घास अश्व घास ऐसे चतुर्थी समास नहीं होता है, षष्ठी तत्पुरुष होता है। ऐसा कहा, अश्व घासादय षष्ठी समासाः भविष्यन्ति। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ब्रह्म जिज्ञासा में चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है ये बोलते हैं। और षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर भी ब्रह्म यहाँ पर प्रधान होगा, जिज्ञासा प्रधान नहीं है। ये वाचस्पति ने कहा, षष्ठी समासे अपि च ब्रह्मणो वास्तव प्राधान्य उपपत्ते रीति इति। इसलिए वास्तविक तो वस्तुतः ब्रह्म ही यहाँ पर प्रधान है, यहाँ तक विचार आप लोगों ने किया। अब कहते हैं ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर भी भाई ब्रह्म से हम क्या लेंगे, ब्रह्म से क्या समझना है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का बहुत अर्थ होता है। ये कहते हैं ब्रह्मणो जिज्ञासा इति उक्ते तत्र अनेकार्थत्वात् ब्रह्म शब्द से संशय, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ बहुत अर्थ होते हैं शास्त्र में, इसलिए कौन सा ब्रह्म लेना है, कश्च ब्रह्मणो जिज्ञासा इति, कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा है, क्यों, अनेकार्थक कैसे है ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म शब्दों विप्रत्त जातो, कहीं कि ब्राह्मण के लिए होता है विप्रत्त जाति, जाति अर्थ ब्राह्मणत्व जाति के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा ब्रह्महत्या, देखो ब्रह्महत्या कह दिया, तो वहाँ पर जाति है ब्रह्महत्या में, ब्रह्म शब्द ब्राह्मणो न हंतव्य है, ब्राह्मण की हत्या न करो, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायाद नास्ति अकृत कृते न, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ तो ब्राह्मणत्व जाति में होता है, और वेद के लिए भी होता है कहीं कहीं, अस्ति च वेदे, ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेद में भी करते हो, यथा ब्रह्मोज्झम, ये कह दे देखो, यथा ब्रह्मोज्झम ब्रह्म का त्याग, ब्रह्म का त्याग मतलब यहाँ पर वेद का त्याग, वेद का त्याग कर दिया तो नास्तिक हो गया। तो ब्रह्मोज्झम उज्ज त्यागे, उज्ज त्याग में विसर्जन, त्याग अर्थ में उज्ज होता है, तो ब्रह्म उज्झम मतलब ब्रह्म का त्याग मतलब वेद का त्याग, तो ब्रह्म उज्झम शब्द में ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया वेद। अस्ति च परमात्मनि, कहीं परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, हैं जैसे यथा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, तो वहाँ पर भी भाई जिज्ञासा होती है कौन से परमात्मा है, निर्विशेष परमात्मा है कि सविशेष परमात्मा है। वहाँ पर भी है सगुण है कि निर्मूल है, निर्विशेष है कि सविशेष है, द्वैत है कि अद्वैत है, कि नहीं तो द्वैताद्वैत है, बहुत सारे लोगों में शंका होती है। कि विशिष्ट अद्वैत है,
तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा में हुआ, यथा ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति। और कहीं के तप के लिए भी होता है तप, तप तप अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। कहीं हिरण्य गर्भ के लिए भी होता है हिरण्य गर्भ के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, कार्य ब्रह्म। कहीं की प्रजापति के लिए भी होता है। तो बहुत सारे अर्थ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए ब्राह्मणो जिज्ञासा जो सूत्र बनाया भगवान व्यास जी ने, तो ब्रह्म से क्या लेना है ये संशय होता है। तम इमम संशयम, ये सब संशय होता है। आप लोग को मिल गया कि नहीं? पृष्ठ नंबर क्या है राजू? क्या नंबर? एट। अच्छा, एटी एट पे पहुंच गए। तो देख लो, ये तम इमम संशयम, ये ब्रह्म के विषय में संशय होता है, उसका अपाकरण करते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, इसलिए संशय बनता है भाई का हिरण्य गर्भ की उपासना करो और क्या, उसकी उपासना करो तो ब्रह्म लोग जाओ, यही मुक्ति और क्या है कि नहीं? ऐसा मानते हैं ना। कोई बोले अरे तप करो, क्या रखा है, तप करो, तप करोगे तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। इसलिए तप क्या है उसको जानो, जानने की इच्छा हो इसलिए तप भी कहेगा। कोई बोला अरे ब्राह्मण के शरण में रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ब्राह्मण का स्वरूप क्या है उसको जानो पहले। इस पर अगर बहुत संशय बन सकता है, कहने का अभिप्राय, बिना प्रोजेक्शन तो संशय नहीं होता है ना। इसलिए तम इमाम संशयम अपाकरो थी, ये सारे संशय का उपाकरण भगवान भाष्यकार करते हैं। तो देख लो, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद ब्रह्मच बक्षमाणा लक्षणम। अरे भाई, ब्रह्म शब्द से यही लेना है, जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा द्वितीय सूत्र में। धर्म है मतलब ब्रह्मा, ये बक्षमाण लक्षणम, बक्षमाणम लक्षणम यस्य, जिसका लक्षण आगे द्वितीय सूत्र में कहा जाएगा, है ना। ऐसे ब्रह्म का ही ग्रहण प्रथम सूत्र में लिया जाता है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है, है ना। ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, है ना। जिसको जानने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी, उसी ब्रह्म को ही यहाँ पर लेना चाहिए। कौन सा ब्रह्म आगे बता देंगे। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जहाँ से जगत का जन्म, जगत का लय जिसमें होता है, आज जिसमें कार्य अवस्था में, जिस ब्रह्म में ये संसार जो है टीका है, आश्रित है, हाँ, वो कौन है? वो निर्विशेष परब्रह्म। यहाँ पे उपलक्षण होता है, जगत कारण तो उपलक्षण है वो, तो सब विशेष नहीं, निर्विशेष लेना होता है, आगे विचार आएगा। तो उसी ब्रह्म को यहाँ पर मतलब निर्विशेष परब्रह्म, जिसका ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसका लक्षण आगे बतला जाएगा जन्मादि से यथा शब्द से, उसी ब्रह्म का ही ग्रहण अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में लेना है। तो ये बात कह दिया। अच्छा, टीका थोड़ी सी ले लीजिए नहीं, एक पंक्ति और भाष्य ले लेते हैं, एक पंक्ति भाष्य में दीजिए। अतएव इस कारण से न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम्। इसलिए ब्रह्म शब्द से और कोई अर्थ नहीं लेना है, कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जात्यादि अर्थांतर, जाति हो गया कौन, ब्राह्मणत्व जाति, ब्राह्मणत्व जाति हो, आदि से तप हो, अथवा वेद हो, अथवा स्वयंभू हिरण्यगर्भ हो, प्रजापति हो, ये तमाम जो अर्थ होता है उसको नहीं लेना यहाँ पर, है ना। कहीं कहीं जीव के लिए ब्रह्मा बोल देते हो परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ है इसलिए जीव को भी ब्रह्म कह दिया, कहीं कहीं गौण अर्थ, उसको भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए।
अब देखो टीका में, ये तो विचार हुआ ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म को लेना है, और यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, ये निश्चय हुआ ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। टीका थोड़ी सी ले लो, यह तो ब्रह्म जिज्ञासाम प्रतिज्ञाय, देखो ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा हुई अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, प्रतिवाक्य प्रतिज्ञा वाक्य हो गया ना, नाम मात्र ना वस्तु संकीर्तनम है कि नहीं, यही यहाँ पर प्रतिज्ञा और क्या है उद्देश्य जिसको भी बोलते हो तर्क संग्रह में न्याय में कहते हो, साधन तत्ष्ट संपत्ति के बाद साधक को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। तद ज्ञापनाय, उसका ज्ञापन करने के लिए बोध कराने के लिए परमात्मा लक्षणम प्रणयति, ये परमात्मा का लक्षण का निरूपण अगले सूत्र में करते हैं, है ना। तो दूसरे ब्रह्म शब्द से यदि दूसरा अर्थ लिया जाता तो फिर परमात्मा का लक्षण क्यों करते फिर द्वितीय सूत्र में, द्वितीय सूत्र में परमात्मा का लक्षण किया जाता है, इसीलिए प्रथम सूत्र में जो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रतिज्ञा वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया ब्रह्म शब्द से उसी को लिया जाना चाहिए जिसका लक्षण द्वितीय सूत्र में किया जाता है, ये बोलते हैं यहाँ पर भामतिकार। इसलिए परमात्मा लक्षण प्रणयति, परमात्मा के लक्षण का निरूपण आगे द्वितीय सूत्र में होता है, ततः इसलिए पंक्ति में जो यतः आया ना, यतः का अर्थ क्योंकि, आ तत का अर्थ इसलिए, इसलिए अवगच्छा महा, हम ये निश्चय करते हैं, अवगच्छा भावतिकार बोल रहे हम करते हैं, हम कहने से दोनों आगे, मेरा विचार भी ऐसा है और इसको पढ़ने वाले भी यही यही विचार करेंगे, यही निश्चय करेंगे, इसलिए बोल दिया बहुवचन अवगच्छा हम लोग, मतलब तत्व अवगच्छा इसलिए हम लोग, मतलब हम जो वेदांत की जो परंपरा में पढ़ने वाले, इसलिए हम लोग मतलब जिज्ञासु परमात्मा जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का ये अर्थ होगा परमात्मा जिज्ञासा, परमात्मा विषय की जिज्ञासा है, विषयणी जिज्ञासा है, और कोई यहाँ पर जिज्ञासा नहीं करनी है, इसलिए परमात्मा जिज्ञासा एव इयम, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का ये अर्थ हुआ परमात्मा जिज्ञासा न तो न विप्रत्व जात्यादि जिज्ञासा, विप्रत्व जाति ब्राह्मण संबंधी जिज्ञासा, हिरण्यगर्भ संबंधी जिज्ञासा, ये कोई उपासना भी नहीं चल रही है, हाँ उपासना का कोई प्रकरण नहीं है, उपासना का प्रकरण होता तो भले ही कह देते जो है कार्य ब्रह्म आदि से, और भी लो तप, कोई तप का भी प्रकरण नहीं चल रहा है कि नहीं, कि ब्राह्मण का ही प्रकरण यहाँ पर नहीं चल रहा है, बाकी अर्थ तो यहाँ पर होगा नहीं, इत्यर्थ यहाँ तक विचार हो गया। तो देखो यहाँ पर जो ब्रह्मण जिज्ञासा हुआ शब्द ब्रह्म जिज्ञासा में षष्ठी तत्पुरुष हुआ, और यहाँ पर जो षष्ठी हुआ षष्ठी षष्ठी है ना ब्रह्मण जिज्ञासा, तो षष्ठी कहने से कौन सी षष्ठी लेनी है थोड़े सुन लो हम क्या बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। षष्ठी जो विभक्ति हुई ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्मण शब्द का षष्ठी एक वचन होता है ब्रह्मण, हाँ तो षष्ठी विभक्ति जो हुई किस अर्थ में है, यहाँ पर संबंध अर्थ में है कि कर्म अर्थ में है, दोनों अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तृ कर्मणो हो कृति, इस सूत्र से भी षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तृ कर्मणो हो कृति, कर्म कारक में भी षष्ठी भक्ति होती है, जिज्ञासा जो हो रही है वो जिज्ञासा का विषय क्या हुआ ब्रह्मा उसका कर्म हुआ ना, कर्म कर्म समझे कि नहीं,
ये कर्म हो जाएगा, जिज्ञासा का विसर्ग के रूप से जो कर्म हो गया, कर्म कारक ब्रह्म यहाँ पर, इसको कहते हैं षष्ठी। ये अर्थ सिद्धांति को लेना है, सिद्धांति यही अर्थ लेंगे, जिज्ञासा का जो विषय है वो हो गया ब्रह्म, इसको कहते हैं कर्म अर्थ में षष्ठी, ठीक है ना। अरे षष्ठी शेष एक सूत्र है, षष्ठी शेष मतलब शेष शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, मतलब संबंध हो जाएगा वो संबंध कहने से क्या होगा, हाँ जिज्ञासा जो होगी, हाँ तो संबंध में शेष का संबंध है, संबंध अर्थ शेष का तो संबंध हो जाएगा षष्ठी शेष, शेष का अर्थ सभी कारक को छोड़ दो, छह कारक होते हैं नारायण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये छह कारक, हाँ छह कारक से अतिरिक्त को कहा जाएगा शेष, ये व्याकरण की बात कह रहे हैं, शेष कहने से क्या होगा संबंध, संबंध कोई कारक नहीं होता है, क्रिया के क्रियाजनक नहीं होता है, इसलिए शेष का अर्थ संबंध, संबंध अर्थ में षष्ठी भक्ति, इसको कहते हैं षष्ठी शेषे। तो ऐसा अर्थ करने से क्या होगा, कुछ वृत्तिकार बोधायन आचार्य जो कुछ लोग ब्रह्मसूत्र को व्याख्यान किए हैं ऐसा अर्थ वो लोग किए हैं, संबंध अर्थ में षष्ठी हो जाएगी, संबंध अर्थ में षष्ठी कहने से क्या होगा, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा, हाँ ये अर्थ होगा ना, और ब्रह्म में प्रमाण क्या है उसकी जिज्ञासा, और साधन क्या है उसकी जिज्ञासा, अवांतर साधन क्या है मतलब अंतरंग साधन क्या है, बहिरंग साधन क्या है, उस सब की जिज्ञासा, इसका नाम है षष्ठी शेष, इसको कहते हैं ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सम ब्रह्म के जिज्ञासा तो है ही, अब ब्रह्म के हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए जो है प्रमाण क्या है साधन क्या है सब की जिज्ञासा यहाँ पर हो जाएगी, ये ऐसा अर्थ लेते हैं कुछ व्याख्यान करने वाले वृत्तिकार जो है बुद्ध बोधान आचार्य इत्यादि लोग कहते हैं, है ना, इसका निराकरण किया जाएगा, इसका निराकरण करके आगे सिद्धांत कहेंगे भाई यहाँ पर ब्राह्मणों जिज्ञासा है, बस ब्रह्मों की यहाँ पर जिज्ञासा ये कहना है, हाँ इसको कहते हैं कर्मणि षष्ठी, भगवान भाष्यकर आगे कहेंगे देखो ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेष है, ये सिद्धांत कहेंगे, है ना। आप पूर्व पक्षी संबंध में शेष अर्थ में संबंध अर्थ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, ये थोड़ी व्याकरण के बाद है, इसलिए जो व्याकरण का संस्कार जिसको नहीं है उसको थोड़ा कठिन पड़ता है। चलो भैया टीका देखो, ये कहते हैं शंका पहले, षष्ठी समास परिग्रहे अपि न यम कर्म षष्ठी किंतु शेष लक्षणा, टीका में ले रहा हूँ, ये पूर्व पक्षी है सिद्धांत नहीं बोल रहा है, हाँ निशान लगा कर रखो नहीं तो समझ में नहीं आता है, षष्ठी समास परिग्रह यहाँ से पूर्व पक्षी बोल रहा है, निशान नहीं लगाएंगे तो भूल जाएंगे आप लोग, नहीं तो पूर्व पक्षी को बोलेंगे सिद्धांती और सिद्धांती को बोलेंगे पूर्व पक्षी, तब तो गड़बड़ मामला है तो षष्ठी समास परिग्रहे अपि, षष्ठी समास का यहाँ पर ग्रहण तो करते हैं, ग्रहण करने पर भी न यम कर्म षष्ठी, यहाँ पर जो षष्ठी है कर्म अर्थ में षष्ठी नहीं है, किंतु शेष लक्षणा शेष अर्थ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है ना। तो क्या होगा इससे, देखो क्या होगा, देखो बताते हैं, किंतु शेष लक्षणा संबंध मात्रम च, वो संबंध मात्र को बोध करा देगा संबंध मात्रम च शेष है इति, संबंध मात्र को शेष, षष्ठी शेष सूत्र है, शेष का अर्थ संबंध मात्र, इसलिए क्या हुआ,
ब्राह्मणो जिज्ञासा इत्युक्ते। देखो समास का विग्रह आप ऐसे ही करोगे, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा कहने से इत्युक्ते ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा इत्युक्तम भवति, ये बोलता है ना। और तो ये निकलेगा ना, पूर्व पक्षी कहने जा रहे सब, ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा, ब्रह्म संबंध में ये जिज्ञासा है। तो ये इसी का नाम ब्रह्म जिज्ञासा इत्युक्तम भवति, ये यहाँ पर कहा गया। तो क्या हुआ इससे, तथा च ब्रह्म स्वरूप प्रमाण युक्ति साधन प्रयोजन जिज्ञासा सर्वा ब्रह्म जिज्ञासार्था ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासया अवरुद्धा भवन्ति, ये बोलता। देखो है ना, पूर्व पक्षी कहता है उनके भावार्थ को आप लोगों को समझा दिया, केवल पंक्ति समझनी है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा। ब्रह्म संबंधी करने से क्या होगा, बोलते हैं इसकी जिज्ञासा होगी, केवल ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो भी जानना है, और ब्रह्म के विषय में क्या प्रमाण है या उसकी भी जिज्ञासा है। और युक्ति जो है, ज्ञान के बिना युक्ति, युक्ति के बिना ज्ञान तो होगा नहीं, इसलिए युक्ति भी चाहिए है ना, युक्ति की जिज्ञासा होगी और साधन की जिज्ञासा होगी है, बोले साधन क्या है भी और क्या है, ज्ञान होने पर क्या प्रयोजन होगा, अरे ब्रह्म को जानने पर हमारा काम को क्या मिलेगा, ये तो चलता है ना भाई, हमको क्या मिलेगा, आप बुला रहे हो हमको साथ में लेने के लिए तो हमको क्या मिलेगा लोग यही सोचते हैं कि नहीं, हम उसके विवाह में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे हैं हम दे रहे हैं उनके विवाह में तो हमको क्या देगा वो इसी में तो लोग रहते हैं। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, नियम है कि नहीं, इसमें का ब्रह्म ज्ञान होगा तो हमको क्या मिलेगा, मैं लोग बोलते हैं कि नहीं, आप वेदांत में लगे हैं तो क्या मिलेगा, वेदांत पढ़ने के बाद क्या करोगे, क्या बनोगे, लोग बोलते हैं तो कहाँ का मंत्र बनोगे, कहाँ का क्या बनोगे, कहाँ पर आश्रम बनाओगे, है कि नहीं। जैसे हम गए थे कामाख्या भाई, हम गए थे कामाख्या काशी में जिसमें पढ़ते थे, तो कामाख्या पहुँच गए तो वहाँ पर पीछे लग गया, अरे क्या वेदांत पढ़ लगे हो, वेदांत पढ़कर क्या करोगे, क्या मिलेगा तुमको, हमारा चेला बना जाओ तुमको सिद्ध कर देंगे, कामाख्या में रहो, मैंने हाथ जोड़ दिया भाई नहीं चाहिए हमको सिद्धि, आप पीछा छोड़िए। तो प्रयोजन, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का क्या प्रयोजन है, ये सब की जिज्ञासा, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना। इसलिए सर्वाहा ब्रह्म जिज्ञासार्था, ये सब का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म जिज्ञासा से, है ना। तो ऐसा ठीक है भाई, इसलिए क्या हुआ, ब्रह्म जिज्ञासया चतुर्थी तृतीय एक वचन ब्रह्म जिज्ञासा, हाँ ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का तृतीय एक वचन होगा ब्रह्म जिज्ञासया, जैसे रमा शब्द का रमया, हाँ सुजाता का क्या बनेगा, सुजाता है ना इनका नाम, तो सुजाता है बोला सुजातया इसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासया मतलब ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से, ये अर्थ हो गया। अवरुद्धा भवंती, अवरुद्धा मतलब गृहिता भवंती, सबका ग्रहण यहाँ पर हो जाएगा, किसका ग्रहण हुआ ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से, ब्रह्म स्वरूप की भी जिज्ञासा, उसमें प्रमाण की जिज्ञासा, फिर युक्ति की जिज्ञासा, साधन की जिज्ञासा, प्रयोजन की जिज्ञासा, ये सब सारे अर्थ का ग्रहण हो जाएगा ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से, हाँ ये बोलता है पूर्व पक्षी। और भी थोड़ा बोलता है पूर्व पक्षी, लंबा चौड़ा बोल रहा है। साक्षात पारंपरेण च ब्रह्म संबंधात, अरे भाई ब्रह्म का संबंध सबके साथ है ही हो,
चाहे साक्षात हो चाहे परंपरा हो, ये बोलता है पूर्व पक्षी। ब्रह्म का संबंध तो है ही सबके साथ, साक्षात हो चाहे परंपरा से हो। मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो बताते हैं, ब्रह्मणा जिज्ञासा बोल दिया ना, है तो इच्छा हो रही है ना, इच्छा है ना, इच्छा है। इच्छा का किसकी इच्छा हो रही है? ज्ञान की इच्छा। इच्छा का कर्म कारक हो गया ज्ञान, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा ना है। इच्छा का साक्षात संबंध हो गया किसके साथ? ज्ञान के साथ हो गया। और ज्ञान का कर्म क्या हो गया? प्रमाण है कि नहीं? ज्ञान का कर्म हो गया, प्रमाण हो जाएगा ना, क्योंकि प्रमाण के बिना ज्ञान तो होगा नहीं। इसलिए ज्ञान का कर्म हो जाएगा प्रमाण। आप प्रमाण हैं तो किसके विषय में प्रमाण है? ब्रह्म के विषय में प्रमाण है, ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए ब्रह्म और इच्छा में क्या हो जाएगा? शेष शेषी भाव हो जाएगा, ये तात्पर्य हुआ। शेष शेषी भाव ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो समझाता हूँ। इच्छा हो रहा है ज्ञान, इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान। किसकी इच्छा? जानने की इच्छा बोलते हैं ना, है ये ज्ञान। जैसे खाने की इच्छा मतलब क्या हुआ? इच्छा का कर्म, इच्छा का विषय भोजन हो गया। इसी प्रकार किसकी इच्छा? ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा। इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान, है ज्ञान का कर्म हो गया कौन? प्रमाण। अब प्रमाण का संबंधी कौन हो गया? ब्रह्म। इसी प्रकार परंपरा से हो गया ना। ये बोलते हैं। चलो भैया, हाँ पंक्ति देखो, साक्षात पारंपरेण ब्रह्म संबंधात। ऐसा है। इसलिए साक्षात अथवा परंपरा से ब्रह्म का संबंध सबके साथ हो गया, है ना। ज्ञान, इच्छा, प्रमाण, ये सब का हो गया। अच्छा आगे देखो, कर्म षष्ठ्याम तु, यदि कर्म में षष्ठी मानेंगे आप, तब तो ब्रह्म शब्दार्थ कर्म ये होगा भाई। इसलिए ब्रह्म शब्दों का अर्थ क्या? यहाँ पर कर्म कारक का हो जाएगा। जिज्ञासा का विषय ब्रह्म होगा, बस इतना ही अर्थ होगा बस, है कि नहीं? हाँ। सच स्वरूपमेव, इसलिए स्वरूप हो गया बस, स्वरूप के विषय ब्रह्म स्वरूप में ही जिज्ञासा होगी। तत्प्रमाणादय, ब्रह्म में प्रमाण क्या है? युक्ति क्या है कि नहीं? साधन क्या है? इसका ग्रहण तो नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्षी बोलता है, ठीक है ना भाई। हाँ, सच स्वरूपमेव, है ना। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ये क्या बोलते हैं? ब्रह्म से यहाँ पर कर्म हुआ, जिज्ञासा का विषय ब्रह्म हो गया, इसलिए कर्म कारक का हो गया। इसलिए ब्रह्म के विषय में ही जिज्ञासा, ये अर्थ निकलेगा। हाँ, उसमें प्रमाण क्या है, साधन क्या है, युक्ति क्या है, प्रयोजन क्या है ना, ये अर्थ का ग्रहण तो नहीं हो पाएगा यदि कर्म अर्थ में सृष्टि करेंगे तो, ये बोलते हैं देखो, ठीक है ना। तत्प्रमाणादयो न अवरुद्धेरन, अवरुद्धिकरण ग्रह गृहरन, ग्रहण नहीं हो पाएगा है। तथा च, तब तो भाई यदि ब्रह्म जिज्ञासा से क्या अर्थ लेंगे? ब्रह्म के विषय में ही जिज्ञासा, बस यही अर्थ होगा। तब तो आगे जो कहते हैं हैं कि ब्रह्म के विषय में प्रमाण फिर क्यों बताया? आगे ब्रह्म के विषय में प्रमाण बताएंगे, साधन बताएंगे, प्रयोजन बताएंगे, फलाद्य में प्रयोजन बताएंगे ना। हैं जो है अंतरंग साधन बताएंगे, बहिरंग साधन बताएंगे, साधन अध्याय में, तृतीय अध्याय में, ये सब फिर क्यों बताएंगे आए? ब्रह्म जिज्ञासा से केवल इतना ही ग्रहण करोगे, ब्रह्म के स्वरूप में ही जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की ही इच्छा, ऐसा ही यदि अर्थ करेंगे, आगे जो प्रतिज्ञा है वो तो व्यर्थ हो गया फिर। ये बोलते हैं देखो, तथा च अप्रतिज्ञातार्थ चिंता प्रमाणादिशु, है ना, जो है भवेत इति ये मन्यन्ते, है ना।
तो वो कहता है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हुआ? फिर प्रतिज्ञा का अर्थ केवल ब्रह्म हुआ, ब्रह्म को ही, ब्रह्म के विषय में ही जानने की इच्छा। हाँ, ऐसा अर्थ करेंगे तो जो अर्थ प्रतिज्ञात नहीं है, हाँ, उसका चिंतन आगे करते हो, फिर उसका विचार आगे किए हो, इसका विचार आगे किए हैं प्रमाण का, लक्षण का, साधन का, प्रयोजन का, ये तो असंगति हो जाएगी ना फिर। पूर्व के साथ उत्तर की असंगति हो जाएगी। समझ में आ रहा है राजू? हैं? हाँ, इति देखो, इति यहाँ तक क्या हो गया, पूर्व पक्ष देखो, इति ये मन्यन्ते, इति ये मन्यन्ते, ऐसा जो लोग मानते हैं, है ना, तान प्रति आह, आगे सिद्धांती बोलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग निशान लगा रहो, तब बात पकड़ में आएगी। कहाँ से कहाँ तक बताऊँ? जो पहले गया था ना, षष्ठी समास परिग्रहे अपि भामती में जो था, वहाँ में, वहाँ पर निशान लगाओ, षष्ठी समास परिग्रहे, यहाँ से पूर्व पक्षी ने कहा इति ये मन्यन्ते, है ना, यहाँ तक, यहाँ तक निशान लगा दे, है ना, ये बीच में आ गया, सब पास, सारे पूर्व पक्ष आ गया। तान प्रति है, ऐसे कहने वाले जो है, तान तत्शब्द का द्वितीय बहुवचन हो गया तान, है ना, ऐसे कहने वाले के प्रति कौन कहने वाले थे? वृत्तिकार आदि, जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर व्याख्यान किए हैं पहले, भगवान भाष्यकार से पहले व्याख्यान किए थे, उन लोगों के प्रति आह कहते हैं। कौन कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं, इसलिए ब्रह्मण, हाँ, इसलिए भाष्य में आया ब्रह्मण इति, देखो भाष्य, अब देखो भाष्य में ब्रह्मण इति, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ, यहाँ पर जो षष्ठी है कर्मणि षष्ठी, कर्म कारक, है ना, ब्रह्म स्वरूप में ही जिज्ञासा, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है उसकी जिज्ञासा, यही अर्थ यहाँ पर करना है। इसलिए षष्ठी, षष्ठी काल षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में? कर्मणि, कर्म अर्थ में है, न शेषे, शेष अर्थ में नहीं है, संबंध अर्थ में नहीं है, है ना, कि भी प्रमाण क्या है, युक्ति क्या है, साधन क्या है, प्रयोजन क्या है, हाँ, उसके विषय में यहाँ पर कोई जिज्ञासा नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है उसके विषय में जिज्ञासा है। ये बोलते हैं, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आपके कहने से हम क्या मान लेंगे? देखो, मानना तो पड़ेगा, क्यों हम बता रहे हैं, सुनो, हम बता रहे हैं, हेतु बता रहे हैं। देखो, अत्र हेतु माह, टीकाकार ने कहा अत्र मतलब इसके विषय में, किसके विषय में? षष्ठी यहाँ पर कर्म कारक में है, शेष अर्थ में नहीं है, इसके विषय में, अत्र का अर्थ हेतुम, इसके विषय में हेतुम आह, हेतु को कहा जा रहा है, कहते हैं हेतुम, द्वितीय का एक वचन हेतुम, हेतुम आह, कौन कह रहे हैं? भाष्यकार कैसे कह रहे हैं? देखो भाष्य में, जिज्ञास्य अपेक्षत्वा जिज्ञासायाः, देखो भाई, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ? जानने की इच्छा। अरे जानने की इच्छा कहेंगे तो जिज्ञासा तो अपने आप वो आ जाएगा, वो जिज्ञासा की अपेक्षा तो होती है कि नहीं? तो बोले मेरी इच्छा हो रही है, कोई बोलेगा मेरी इच्छा हो रही है, तो लोग नहीं पूछेंगे किसकी इच्छा हो रही है। वो तो अपने का भाई, विषय के बिना तो इच्छा होगी नहीं। इच्छा कहने मात्र से इच्छा किसकी अपेक्षा करेगा? विषय की अपेक्षा करेगा ही करेगा वो। चाहे ज्ञान हो, चाहे इच्छा हो, चाहे कृति हो, हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग पूछेंगे ना क्या कर रहे हो? ऐसे होता है, क्या कर रहे हो पूछेंगे ना, विषय की जिज्ञासा हो जाती है अपने आप। ये बोलते हैं देखो, जिज्ञासाया, हाँ, जिज्ञासा तो अपेक्षा करती है, किसकी अपेक्षा? जिज्ञासय, जिज्ञासय का अर्थ वाला विषय है, जिज्ञासा जानने की इच्छा, इच्छा का विषय को बोलेंगे जिज्ञास्य,
जिज्ञासा की अपेक्षा तो करती है जिज्ञासा, विषय के बिना तो इच्छा होगी नहीं। ऐसा नहीं कि विषय न हो और उसकी इच्छा हो, ऐसा नहीं होती है ना। भले ही उसका विशेष रूप से ज्ञान न हो, सामान्य रूप से हो, लेकिन ज्ञान के बिना, विषय के बिना तो इच्छा होती नहीं, ये बोलते हैं। अच्छा थोड़ी टीका ले लो। इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम है, बोलते हैं इच्छा किसकी इच्छा, ज्ञान की इच्छा। पहले ये अर्थ तो आएगा ना, है ना। जिज्ञासा करने से क्या हुआ, है जानने की इच्छा। इच्छाया ज्ञानम, इच्छा का ज्ञान, इसलिए ज्ञान क्या हो गया, विषय। प्रतिपत्य अनुबंधो, प्रतिपत्ति हो गया शब्द बोध। देखो सुनो क्या बोलते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिपत्ति हो गया, ब्रह्म जिज्ञासा ये शब्द हो गया। हाँ इसमें जो शब्द बुद्धि हो रही है ना, ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा है ना, तो उसका विषय अनुबंध वाले विषय अनुबध्यते इति अनुबंध। अनुबंध का अर्थ यहाँ पर विषय, ठीक है ना। हाँ विषय, यदि इच्छा के अंत में ज्ञान हो रहा है विषय के रूप से प्रकार, ऐसा लगाओ, ठीक है ना। हाँ इच्छा के अंत में ज्ञान होता है प्रकार, जिज्ञासा बोल रहे हो ना। हाँ जिज्ञासा करता क्या हुआ, जानने की इच्छा। यदि इच्छा का विषय, इच्छा का विषय हो गया कौन, ज्ञान। ज्ञान होता है जैसे भोजन की इच्छा बोलते हो, है ना। भोजन की इच्छा मतलब क्या हुआ, इच्छा में प्रकार हो गया। हाँ भोजन, भोजन की इच्छा तो भोजन हो जाएगा प्रकार, है कि नहीं, विशेषण है ना। इसलिए भोजन विशिष्ट इच्छा, भोजन प्रकार का इच्छा नया लोग बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान प्रकार का इच्छा, ज्ञान का विषय ये, इच्छा का विषय ज्ञान, ये अर्थ होता है। ये बोलते देखो प्रतिपत्ति अनुबंधो, प्रतिपत्ति है शब्द बोध ब्रह्म जिज्ञासा है ना, उसका हाँ विषय हो गया ज्ञान। जो बोलते इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम, और ज्ञान बोलेंगे है ना, तो ज्ञान विषय के बिना तो ज्ञान होगा नहीं, वृत्ति रूपी ज्ञान है ना। विषय न हो और विषय की वृत्ति हो, ऐसा नहीं होता है। और ज्ञान को दूर करने वाला वृत्ति रूपी ज्ञान है, तो वृत्ति रूपी ज्ञान का कोई विषय तो हो। बोले ज्ञानस्य च गेयम ब्रह्मा, जो वृत्ति रूपी जो ज्ञान है उसका गेय, उसका विषय तो ब्रह्म हो गया। न खलु ज्ञानम गेयम बिना निरूप्यते। और बोलते मुझे ज्ञान हो रहा है, हाँ क्या विषय पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे इच्छा हो रही है और विषय ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसी पे कर मुझे ज्ञान हो रहा है, अब बोले क्या किसका ज्ञान मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। विषय के बिना जैसे इच्छा नहीं, विषय के बिना भी ज्ञान नहीं, वृत्ति रूपी ज्ञान की बात चल रहे हैं, स्वरूपभूत ज्ञान की बात नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं वृत्ति रूपी ज्ञान हो और उसका विषय न हो, गया न हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे विषय के बिना इच्छा का निरूपण नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से विषय जो ज्ञेय है उसके बिना ज्ञान का निरूपण नहीं होता है। न खलु ज्ञानम ज्ञेयम बिना निरूप्यते, न तो जिज्ञासा ज्ञानम बिना, आगे भी लिख दिया देखो। अरे हाँ जिज्ञासा मतलब ज्ञान की इच्छा, इसलिए जिज्ञासा भी ज्ञान के बिना कहाँ से होगी। जैसे भोजन, भोजन की इच्छा बोलेंगे, अब भोजन ना हो इच्छा हो ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार से है ना, जिज्ञासा ज्ञानम बिना, जिज्ञासा भी ज्ञान के बिना निरूपित तो नहीं होती। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।